हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज हम अपने इलेक्ट्रोसिटिक्स में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है तो हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है चार्ज के चारों वो उस पर जहाँ तक हम उसके फोर्स को फील कर सकते हैं वो उसको उसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया के अंदर उसकी ताकत कितनी है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब इन्हीं से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके आगे लगा दिया लाइन यानी कि ये क्या है लाइन्स हैं दीज आर इमेजिनरी कि एक्चुअल में नहीं है ऐसा हम मानते हैं दीज आर इमेजिनरी लाइन्स तो इमेजिनरी लाइन लाइन कैसे हो सकती है स्ट्रेट हो सकती है और कर्व भी हो सकती है इट कैन बी स्ट्रेट इट कैन बी कर्उ तो डिफाइन कैसे करेंगे तो दीज आर इमेजनरी लाइन वेदर इट इज स्ट्रेट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कब कहेंगे जब इसके किसी भी पार्ट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दू टेंजेंट स्पर्श रेखा जो उसको टच करती हुई जाए और ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर डायरेक्शन को बता रहा है तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है ठीक है या कई बार हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो चार्ज रखा हुआ है इस चार्ज के चारों तरफ स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दूं और इसको मूव करने दूं इसके रिपोजिटिव फोर्स की वजह से तो जिस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा वही जो लाइन बनाएगा उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या हो गई कि इमेजिनरी लाइन है और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन उसे क्या बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ना प्रॉपर्टीज है हर एक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट कहां से हो सकती हैं तो दे स्टार्ट दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज मतलब कहां से शुरू होंगे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगे जैसे मान लो मैंने बनाया ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से जितनी फील्ड लाइंस बनेंगी वो सारी कहां देखेंगी बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से जितनी बनेंगी वो सारी अंदर की तरफ ठीक है यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे खत्म होंगी सेकंड पॉइंट अब पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे खत्म हुई तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक ये कंटिन्यूस होती हैं ठीक है ये याद रखना इनके बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा कहीं भी ये लाइन ऐसे अगर मिल जाए ना आपको इस तरह से अभी एक सिस्टम बना दी जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और फील्ड लाइन ऐसे दिखा दी तो ये नहीं हो सकता इस लाइन को जोड़ना ही जोड़ना है दे आर कंटिन्यूअस नॉट डिसकंटिन्यूअस ठीक है हाँ नेगेटिव पे जा करके टर्मिनेट हो जाएंगे और पॉजिटिव से ही स्टार्ट होंगे तो ये हो गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है वही जो डेफिनेशन में थी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट यानी कि जो डेफिनेशन हमने लिखी थी समझी थी वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि टेंजन ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इट यानी कि इस तरह से कर्व है और यहां में टेंजन ड्रॉ कर देता हूं तो क्या होगा ये इसकी इलेक्ट्रीफिल इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा थर्ड पॉइंट दे कैन नेवर दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वे कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते इंटरसेक्ट नहीं कर सकते देखो इस तरह से ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते क्यों नहीं काट सकते उसका एक रीजन है क्या कि अगर ये काटेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रो टू टेंजेंट्स यहां हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब है टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सिंगल पॉइंट जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है तो एक पॉइंट पे यहां दो डायरेक्शन होगी और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती इसलिए एक दूसरे को काट भी

originate and terminate perpendicular to surface of conductor मतलब क्या है इसका कि कोई मान लो ये कंडक्टर है इस कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो परपेंडिकुलर निकलेंगी खत्म होंगी टर्मिनेट होंगी तो भी परपेंडिकुलर ही होंगे सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर आती हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया ये इसी तरह एक फिफ्थ पॉइंट होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है दिस इज अ कंडक्टर और कंडक्टर की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू कंडक्टर यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी जीरो किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती बट यही सब्सटेंस अगर कंडक्टर ना होके डाई इलेक्ट्रिक हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से भी पास कर सकती हैं यानी दे कैन नेवर पास थ्रू ए बॉडी ऑफ कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो और दे कैन पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक से पास हो सकते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा क्यों होता है ये आपको फोर्थ चैप्टर जब हम कैपेसिटर वाला पढ़ेंगे उसके अंदर इसका आंसर भी आपको मिलेगा क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्टर भी पढ़ने वाले हैं कंडक्टर को भी पढ़ने वाले हैं तो सेवेंथ पॉइंट आता है कि दे कैन फॉर्म ए लूप वो कभी भी लूप नहीं बना सकते लूप कैसे नहीं बना सकते भाई यानी कि लूप तो ऐसे बनता है ना भाई और लूप बनने के लिए क्या कंडीशन है जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे खत्म होना बट यहां क्या है ये तो पॉजिटिव से शुरू हो गया और खत्म कहां पे होगा जाके नेगेटिव पे यहां से शुरू हो गए यहीं पे खत्म हो नहीं सकता ये ठीक है तो दे कैन नेवर फॉर्म ए लूप वो कभी भी एक लूप नहीं बनाते हैं तो ये सेवन पॉइंट हो गए प्रॉपर्टीज के इससे आगे और कुछ दो तीन पॉइंट है देखते जो होट पॉइंट है अपना कि दे कॉन्ट्रैक्ट लोंगीटूडली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस मीन्स अब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है ये दोनों आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा ये पास पास आ जाएंगे पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा फील्ड लाइन छोटी हो जाएंगी तो इसको बोलते है, दे हैं दे कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं लौंगी मतलब लेंथ वाइज सिकुड़ जाते हैं ये ठीक है किसकी वजह से अट्रैक्शन की वजह से इसी तरह सेम चार्ज में यानी कि लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा रिपल्शन होगा तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करेंगे तो देखो ये लाइन काट तो सकती नहीं तो काट नहीं सकते तो क्या होगा इस तरह से मुड़ जाएंगे मुड़ने का मतलब ये क्या शो कर रही है? एक दूसरे में रिपल्शन शो कर रही है पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव का होगा ये बाहर की तरफ हम दिखा सकते हैं इसको ठीक है ऑन ईच अदर इसी तरह एक पॉइंट आता है टेन कि मोर द गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रॉगर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है बच्चों कि मोर द गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी ज्यादा गैदरिंग होगी गैदरिंग का मतलब फील्ड लाइन जितनी ज्यादा इकट्ठी होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जैसे मैं इस तरह से कर दूं, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिए अब इतने ही एरिया में मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सारी तो इन दोनों में स्ट्रोंग कौन सा होगा ये जहां गैदरिंग ज्यादा होगी वहां फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा और एक इलेवेंथ और लास्ट पॉइंट है कि ये कैसे हैं इमेजनरी दे आर इमेजनरी बट रिप्रेजेंट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये हैं तो इमेजनरी बट जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज क्या है वो रियल है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वास्तव में है बट क्योंकि उसको स्टडी करना है तो हमें इमेजिनेशन करते हैं तो दे आर इमेजनरी बट रिप्रेजेंट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्रॉपर्टीज हैं पिछली वीडियो को भी इस वीडियो को, भी करके को लिख भी सकते हो और फिर आपको ड्रॉ करना है तो देखो कैसे तो देखो बच्चो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रो करने देते हैं कैसे अगर मान लो कहता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज तो जैसे मैंने पीछे भी ड्रॉ करके दिखाया था पॉजिटिव चार्ज में सारी इलेक्ट्रिक लाइंस कहां होंगी बाहर के तरफ ये सारी बाहर की तरफ आउटवर्ड ठीक है और नेगेटिव में सारी कहां होंगी अंदर की तरफ ये ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज यानी कि ये क्यू ग्रेटर देन जीरो और ये क्यू लेस देन जीरो मैंने सिस्टम दोनों चार्जेज का नहीं बनाया वो पूछेंगे कि ड्रो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेटर देन जीरो तो ड्रॉ करेंगे क्यों लेस देन जीरो तो ये ड्रॉ करेंगे ठीक है और ये पूछ लेंगे भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है फिर ड्रॉ करके दिखाओ यानी कि एक चार्ज हो गया हमारे पास पॉजिटिव यहां पे और दूसरा चार्ज हो गया यहाँ पे नेगेटिव अब कहेगा इस सिस्टम की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ तो ड्रॉ कैसे करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड फील्डलाइंस कहा जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां इस तरह से और फिर बाकी फील्ड लाइंस इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें सारी फील्ड लाइन्स आपको आउट दिखानी है इसमें सारी आपको इन दिखानी है ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव जब इकट्ठा दे रखा होगा तब और ये हो गया जब अलग अलग दे रखा होगा अब कई बार सेम चार्ज का भी दे देता है कि भाई दोनों ही प्लस का है या दोनों ही माइनस का है मान लो ये प्लस का दे दिया और ये भी आपको प्लस का दे दिया और ये कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रो करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रो होंगी अब इधर का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फीललाइंस निकल के आए इधर से भी निकल के आए काट तो सकते नहीं तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल कर देंगे ये इस तरह से रिपेल कर देंगे इसी तरह से ये ये सारे के सारे आउटवर्ड हो जाएंगे अगर एक में भी आपने इनवर्ड दिखा दिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ये गलत हो जाएंगी इसलिए इनका ध्यान रखना है अब इसमें ध्यान दोगे तो आपको एक कुछ हिस्सा नजर आएगा ये हिस्सा ये वाला जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही नहीं पाएंगी इस हिस्से को बोल देते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट क्या बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या आएगी जीरो यानी एक ऐसा हिस्सा निकल के आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं होगा कैंसिल हो जाएगा पहुंच ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसा न्यूमेरिकल में भी आएगा जब हम करेंगे कि भी दो चार्ज दे रखा होगा उसके बीच में वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जैसे कि पिछले चैप्टर में किया था दो चार्ज के बीच हम क्या फाइंड आउट करते थे फोर्स फाइंड आउट करते नेट फोर्स जीरो हो। यहां क्या फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सेम न्यूमेरिकल है वहाँ फोर्स का था या इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा बस ध्यान ही रखोगे मान लो ये दोनों चार्ज बराबर है टेन माइक्रोकोलम टेन माइक्रोकोलम तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे आएगा दूसरा ये पूछ ले कि कोई भी चार्ज बढ़ जाए है तो दोनों दोनों तभी हो अगर ये हो वो है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहा होगा चार्ज तो है जो छोटा उसकी तरफ सरक जाएगा। पहले से उधर सरक जाएगा दस की तरफ जो छोटा चार्ज होगा हमेशा न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ मिलेगा तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कभी ड्रॉ करने देते हैं तो आज का ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ा ठीक है तो इस चैप्टर को इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िए और इसको आप नोट भी कर लीजिए